अमित शाह ने असंतुष्टों को मनाने के लिए फॉर्मूला दिया है। नाराज नेताओं को मनाने में ज्यादा एनर्जी बर्बाद ना करें, रूठों को मनाओ, ना मानने पर जीत कर कड़ा सबक सिखाओ। जिला अध्यक्षों को अपने जिले में अच्छा रिजल्ट लाने के निर्देश दिए हैं। पदाधिकारियों को बूथ जीतने पर ध्यान देने के निर्देश। 5 नवंबर को घर घर बीजेपी का झंडा लहराने की अपील अमित शाह ने की है। चुनाव का मौसम है और चुनाव कैसे लड़ा जाता है, चुनाव कैसे जीता जा सकता है, उनकी रणनीति हमेशा सफल हुई है। और ग्वालियर चंबल के लिए ये सौभाग्य की बात है कि गृह मंत्री जी का, माननीय अमित शाह जी का, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ा दल बनाया भारत में आए हैं, उनकी ऊर्जा से, उनकी प्रेरणा से हम प्रचंड विजय की ओर आगे बढ़ने वाले हैं। देखो, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, जिसका कार्यकर्ता भाव है, वो कहीं कोई नाराज नहीं होता है। सब पार्टी के काम में लगे हुए हैं। आप देख रहे होंगे, एक तरफ तो परखच्चे उड़े हुए हैं कांग्रेस के, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरे मनोयोग से काम में लगा हुआ है। और अमित शाह जी के आने के बाद नई ऊर्जा, नया उत्साह ग्वालियर चंबल में। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने घरों पर भी झंडे लगाएंगे, अपने समर्थकों के घरों पर भी झंडे लगाएंगे, और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवादी विचार से जो प्रेरित लोग हैं, जो प्रभावित लोग हैं, उनके मकानों पर भी, घरों पर।